ये भाई क्या जगह है यार, ये गिरे तो डायरेक्ट नीचे। भैया भैया हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग जल्दी उठ गए हैं, उसका भी एक रीज़न है। तो आज हम लोग जा रहे हैं सिमली वाटरफॉल, नायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। तो हम लोग ज़्यादा जन नहीं जा रहे हैं, हम बस 2 बाइक्स लेके जा रहे हैं। वो सामने आप लोग देख सकते हो, डोमिनार जा रही है और ये आरएस में जा रहे हैं। तो 4 जन हम लोग निकले हैं अभी और जल्दी निकल गए हैं, क्योंकि जल्दी पहुँचना है। बाद में ज़्यादा धूप होने से जर्नी का मज़ा नहीं आएगा, राइड भी अच्छा नहीं लगेगा वैसे में। तो यहाँ से सिमली वाटरफॉल 120 किलोमीटर दूर है, तो कितना टाइम लगेगा देखते हैं। अभी तो 6 बजा है, 8 बजे या 9 बजे तक हम लोग शायद से पहुँच जाएं। अगर रोड अच्छा होगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे, अगर रोड ख़राब होगा तो लेट हो ही जाएगा। और ये मैं पहली बार जा रहा हूँ, हम सब पहली बार जा रहे हैं, रास्ता भी मालूम नहीं है, बस गूगल भैया के इशारों में जाना है हम लोग को। और गूगल मैप्स कहाँ लेके जाता है वो भी देखते हैं, क्योंकि कभी कभी जाना कहीं और होता है और वो ले कहीं और जाता है। और बहुत दिनों बाद में सनराइज़ देख रहा हूँ, एक्चुअली मेरे उठने से पहले ही सनराइज़ हो गया होता है, तो बहुत दिनों बाद ये देख रहा हूँ तो अच्छा फील हो रहा है। और आज का मौसम भी ठीक है, बट धूप तो है। 2 दिन पहले इतना ज़्यादा भी धूप नहीं था, तब गए होते तो और अच्छा होता, बट हम लोग को वीकेंड में जाना था। तो अभी हम लोग को राइड जाना पड़ेगा, यहाँ से चंदनपुर होके जाना पड़ेगा। इधर से जाते हैं अभी, तो मैं रुक रुक के वीडियो बनाऊंगा, मतलब लगातार कंटिन्यू में वीडियो नहीं बना सकता, वैसे में बैटरी भी ख़त्म हो जाएगा गोप्रो का। तो हम लोग रुक रुक के वीडियो बनाइए। और गाइस ये देखो कितना ज़्यादा पानी है इधर। तो अगर आप लोग ओडिशा से हैं तो आप लोग को पता ही होगा इधर का हालत अभी क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश के चक्कर में पानी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इधर बहुत ज़्यादा जो डैम सब है वहाँ का गेट सब खोल दिया गया है, तो ये वही बाढ़ का पानी है। और आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी है, और गाँव वाले इसके वजह से बहुत सफ़र करना पड़ रहा होगा उन लोग को। यार कैसे रह रहे हैं पता नहीं। पेड़ सब भी डूब गए हैं, बहुत मुश्किल में रह रहे होंगे ना, बेवजह उन लोग को झेलना पड़ रहा है ये सब। वही तो देख, घर वर सब डूब गया है यार, घर छोड़ के देखी, वही तो। तो भाई यार अच्छा फील नहीं हो रहा, देखिए सब कुछ डूब गया है भाई। एक तो यहाँ गांव के लोग बहुत मुश्किल से अपना घर बनाते हैं, और ये बाढ़ वाढ़ के चक्कर में ये घर वर भी सब डूब जाता है, तो घर डूबना कितना बड़ी बात होती है आप लोग समझ सकते हो। एक घर को बनाना कितना मुश्किल होता है, और ऊपर से ऐसे डूब जाएंगे तो यार। देखिए इधर भी बहुत ही ज़्यादा पानी है। पहले तो हम लोग को अच्छा लगा ये व्यू कि हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है, ऐसे बोल के कि बारिश ज़्यादा हुआ है। हम लोग भी भूल गए थे कि हाँ ये बाढ़ का पानी छोड़ा गया है, तो अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है यार। देखिए इधर भी वही हाल है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। और ये पानी सब जल्दी सूख जाए, हम लोग यही बस प्रे कर सकते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते हम लोग। तो अभी हम लोग इस रोड से जा रहे हैं, अभी हम लोग पहुंचेंगे रामेश्वर रोड,
आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हमको खोर्दा हाईवे रोड पकड़ना पड़ेगा, उधर से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट नायगढ़। अबे सुबह को उठने से अलग ही फील आ रहा है भाई, सुबह को उठने से अबे सुबह को उठने से अलग ही फील आ रहा है राकेश भाई, बहुत दिन के बाद वाला ही उठा है सुबह। हाँ मैं तो सुबह को उठता नहीं हूँ, तू कितना बजे उठ रहा है भाई? हाँ कितना बजे उठता है यूजुअली तुम? हाँ कितना, 10 बजे? राकेश भाई को पूछो। और तू कितना बजे उठता है वे? सोता ही नहीं। लड़की का चक्कर बाबू भैया। कितना बजे उठता है? कितना बजे उठता है? 6 बजे। साला बकवास कर। अबे बस बस उतना ही फेंक हुआ, अबे बस फेंक रहा हुआ, वीडियो में बोल रहा है 6 बजे लेकिन उठता है 8 बजे। सिंपल आदमी है तो। अबे इसलिए तो तू लेट तक भाई बोल रहा है 6 बजे, लड़की लोग कॉल करते हैं इसलिए 6 बजे उठ जाता है भाई, क्या आदमी है। तो दोस्तों के साथ राइड करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है, और बहुत दिनों बाद हम लोग निकले हैं, खासकर मैं बहुत दिनों बाद निकला हूँ, और ये लोग बहुत दिन से ये प्लान था कि हम लोग जाएंगे जाएंगे बोल के, बट मैं उधर गांव गया था तो इसलिए, और उधर से आने के बाद मेरा तबीयत ख़राब था, अभी भी उतना अच्छा ठीक नहीं हुआ है, ठंडा बुखार हो गया था थोड़ा, फिर भी आज हम निकले हैं। अबे रोड तो अच्छा है बे, क्या बोला? क्या जगन्नाथ? और जगन्नाथ सड़क बोलते हैं, जगन्नाथ रोड। अबे जगन्नाथ रोड बोलते हैं। इस राइड में बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम लोग जो लग रहा है, मतलब अभी से गुड वाइब्स बस आ रहे हैं। तो ये हम लोग निराकरपुर आगे पहुंच चुके हैं, तो ये गांव का नाम है निराकरपुर, और यहाँ से 6-7 किलोमीटर होगा रामेश्वर, तो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे उधर। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7 बज गया है, अभी आप लोग देख सकते हो 7 बज चुके हैं, बहुत भूख लग रहा है यार। कितना बजे उठा था तो? जब मैं कॉल किया तब उठा ना, वही 4:30 बजे सबको ही उठे हैं। क्या बोला? क्या बोला? सबको ही को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, अच्छा होटल देखेंगे वहाँ पे खाएंगे। तो फाइनली हम लोग इधर आने के बाद, आप लोग देख सकते हो इधर थोड़ा ज़मीन सब सूखा है, मतलब उधर तो भाई हम लोग कितना 15 या फिर 20 किलोमीटर्स तक आए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। थोड़ा अच्छा नहीं लगा यार गांव वालों को देख कर, सबको ऐसे बाहर बैठे थे ऐसे ही, घर वर सब डूब गया है। और ये देखिए ये पहाड़, ये कौन सा पहाड़ है पता नहीं, कौन सा पहाड़ है ये? पहाड़ तो है कोई भी हो, कोई तो पहाड़ है, अच्छा दिख रहा है। बोल देते हैं रामेश्वर का पहाड़। अबे ये कौन सा पहाड़ है? ये कौन सा पहाड़ है? कोई सा भी पहाड़ होगा। पहाड़ तो है, नहीं रामेश्वर है तो रामेश्वर है, रामेश्वर है नहीं है ना कौन ये? नहीं नहीं, और 5 किलोमीटर है, तो रामेश्वर का पहाड़ बोल देते शायद, नहीं ऐसे ही नहीं बोलते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। XYZ पहाड़। हाँ XYZ पहाड़ है ये, कुछ तो है। आप पहचानो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिखो। हाँ अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट कर दो। यहाँ रुकेंगे? ठीक है चल। तो यहाँ पे एक अच्छा होटल मिल गया है, यहीं पे कुछ खाएंगे। क्या बोला? आगे और है? हाँ
यहाँ खा लेते हैं पहले। ये बढ़िया दिख रहा है वे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अभी खाएंगे और लोंडो को आप लोग देख लीजिए, सब हैंडसम बन के आए हैं। दीदी के लिए लो ना। हाँ लेके जाऊंगा, झुमका उमका सब लेके जाऊंगा। और ना दीदी के लिए तो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, पेट पूजा हो गया। ये रामेश्वर है ना, चलो तो रामेश्वर भी हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से और कितना किलोमीटर, कितना दूर है? 58। चल तो अभी हम लोग को और 58 किलोमीटर जाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि हम लोग 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट और हमको एक घंटा शायद लग सकता है। और इधर हम लोग गांव के एरिया से आए तो उतना मतलब हम लोग स्पीड से तो नहीं आ सकते थे, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे आए, ज़्यादा स्पीड नहीं आए, बीच बीच में थोड़ा भगा के आए हैं। उधर से जाएंगे ना, उधर से आ, उधर से आ, यहाँ पे रेप करना। ओए यहाँ पे रेप करो, रेप कर, रेप कर यहाँ पे। ये अभी हम लोग हाईवे पे आके पहुंच गए, अभी भगा के जा सकते हैं हम लोग। अरे इसी को बोलते हैं रामेश्वर ना, इस रोड को। हाँ इसी पहाड़ी को देख रहे थे भाई, ये रामेश्वर पहाड़ी है ना। मैं भी वही बोल रहा था, ये वही है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, ठीक ही था। अरे ऐसा रोड यहाँ पूरी में होता तो बढ़िया ना, ये पूरा भगाते जाओ। लेफ्ट जाना है? अरे भाई चलो तुमको फॉलो करते हैं। अरे यार रोड देख के खुश हो गया था, इस हाईवे पे जाना है बोल के, बट हम लोग को अभी नीचे जाना है इधर से। सोचा था इधर थोड़ा भगा लेंगे गाड़ी को आराम से, 150 तक भगाएंगे सोचा था। रणपुर के अंदर से जाएंगे, रणपुर होके जाएंगे, रणपुर होके जाएंगे। ओहो हाँ हाँ, यहाँ से कितना रणपुर, रणपुर यहाँ से कितना? यहाँ से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। कभी रणपुर भी आएंगे घूमने, मैं वहाँ भी नहीं आया हूँ कभी। अभी तो शुरू हुआ है, अभी बहुत जगह जाना है अभी। तो ये देखिए, ये है रणपुर का पहाड़, वहाँ मंदिर है ना ऊपर, खतरनाक है भाई। और यहाँ से ऊपर जाते हैं, वो जो नहीं दिख रहा है कटिंग वटिंग नहीं दिख रहा है, उधर दिख रहा हो ना, उधर से जाते हैं ऊपर। हाँ बाइक वाइक सब जाएगा यहाँ। हाँ यहाँ किसी दिन आएंगे, देखते हैं होगा तो। ये जगन्नाथ मंदिर है, ओहो जगन्नाथ मंदिर रणपुर। हाँ तो इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है ना। बट ऊपर क्यों जाते हैं, ऊपर और कौन सा मंदिर है पता नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग कभी आएंगे रणपुर, ये मंदिर यहाँ ऊपर, ट्रैकिंग करके जाएंगे ऊपर कभी। आज का प्लान इधर जाना है सिमरी वाटरफॉल्स, तो आज उधर जाते हैं, फिर कभी इधर आएंगे। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, सफ़र में बने रहिए आप लोग। गाइस अभी एक्साइटमेंट लेवल पूरा हाई है, और 500 मीटर के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के पास। तो ये देखिए ये पहाड़ आप लोग देख सकते हो, कितना बड़ा पहाड़ है। वाह भाई जल्दी पहुंचना है, हम सोचे थे हम पहुंच जाएंगे 8:30 बजे तक, बट टाइम हो रहा है अभी 9:30। हाँ 9:30 हो जाएगा अभी। ओहो क्या ठंडा हवा, क्या मौसम है यहाँ। यहाँ चल के जाना पड़ेगा कि क्या, किधर है, पहुँच गए क्या हम लोग, यहीं पे रखना पड़ेगा। साउंड सुनाई दे रहा है कहाँ, साउंड सुनाई। अरे ये वाला ये है, यही है, यही है, यही है। अबे पहुँच गए हम लोग। ओह माय गॉड
इसका रिएक्शन देखो, इतना लेट में रिएक्ट कर रहा है। पहुंच गए वे? अबे इतना छोटा है। अबे हाँ, और ऊपर जाएंगे हम लोग, कैसे जाते हैं ऊपर? चल 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 पहले से आया हूँ। चल चल चल, आजा आजा आजा, देखते हैं क्या है क्या। हो, इसको देखने के लिए हम लोग आए हैं उतना दूर से। ये रहा भाई ये जगह, तो यही देखने के लिए हम लोग इतना दूर से आए हैं। हो, आओ, मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे, क्या व्यू है। ऊपर जाएंगे? अरे इधर से जाते हैं ना, इधर से जाएंगे। चलो अबे गिरविर मत जाना, नहीं तो नीचे डायरेक्ट। चल तू आगे चल, डर लग रहा है तेरे को। अबे चल बे, अबे नहीं गिरेगा, आ जा। चलो चलो चलो, अबे गिरना मत, नहीं तो डायरेक्ट नीचे यार। तो भाई ये भाई क्या जगह है यार, ये गिरे तो डायरेक्ट नीचे। ओ भैया भैया, आजा आजा, अबे गिरना मत, आजा आजा, हाथ दे, आजा आजा यहाँ तक आ। दे अबे आजा, अरे इधर से आना, वहां पे रख, वहां पे पैर रख, अरे रख पैर वहां पे। आजा आजा, अरे इधर से आ।